फ्रेंड्स, मैं हूँ केजी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ नॉर्मली लोग जाने से घबराते हैं और ज़िंदगी में लास्ट बार ही आते हैं कुछ, तो जो कभी आके फिर वापस नहीं जा पाते। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ एक प्यारे से ग्रेवयार्ड में, जो कि एक्चुअल में इतना प्यारा है कि आपको लगेगा कि वो एक्चुअल में ग्रेवयार्ड है। ये जो जगह है एक्चुअली जिस होटल में मैं हूँ वहाँ से अराउंड 2 माइल की दूरी पे है। तो मुझे इस लोकेशन का पता तब चला जब मैं ऑफिस गया, तो ये ऑफिस के रास्ते में पड़ता है। तो पहले तो मुझे लगा कि ये कोई पिकनिक स्पॉट या कोई गार्डन टाइप बनाया हुआ है, क्योंकि ये एक्चुअल में इतना प्यारा लगता है देखने में वहाँ से। लेकिन जब मैं आज यहाँ पर आया मुझे पता चला कि ये ग्रेवयार्ड है। लेकिन इस चीज़ की मैं बहुत तारीफ करूँगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है इन्होंने और बहुत ही शांत और अच्छा लगा मुझे यहाँ पर। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में। लोकेशन पे है कि हर ग्रेड से मतलब प्लास्टिक है, लेकिन बड़ा ही अच्छा लुक देता है। एक्चुअली अभी हमें यहाँ पे कुछ लोग भी मिले जो अपने नियर डियर को याद करने यहाँ पे आए हुए थे, उनकी ग्रेस के साथ पास बैठे हुए थे, उनके साथ बातें कर रहे करते हुए देखा मैंने कुछ को, लंच कर रहे हैं उनके साथ, मतलब अपना लंच वंच लेके आया साथ में बैठे हुए कुर्सी कुर्सी डाल के प्रॉपर। मतलब एक इमोशनल जो एक अटैचमेंट होती है वो बहुत एक अच्छा लगा मुझे एक्चुअली यहाँ देख के। ये जो चीज़ जो लोग अपने नियर डियर को याद करने यहाँ पे आए हुए थे, जिस वे में वो उनको अभी भी एक अपनी यादों में कह लो या कैसे भी जो उन्होंने उनको जिंदा रखा हुआ है, तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एक अलग सा एक्सपीरियंस और एक अलग सी चीज़ आपको देखने को मिली होगी और जो आपको अच्छी भी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपसे अपने अपने लोकेशन पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।